तो पिछले 3-4 दिन से हमारा जो नशा मुक्त त्रिपुरा है उसके अंतर्गत हमारा जो गांजा प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय करने का एवं सीजर का काम चल रहा है। उसके पहले भी हमने बहुत एफर्ट्स लिए। लास्ट के 3 दिन के एफर्ट्स का मैं बताता हूँ आपको। जो खोवाई पीएस के अंडर में जो बेलफांग फॉरेस्ट है वहाँ पर अराउंड 8 एकड़ में हमने गांजा प्लांटेशन को डिस्ट्रॉय किया है। और जो कल्याणपुर का गुलाब ठाकुर पारा है वहाँ पर 3 एकड़ एरिया में गांजा प्लांटेशन को हमने डिस्ट्रॉय किया है। टोटल मोर देन 10,000 प्लांट थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया है। इसके अलावा जो पैसेंजर व्हीकल है, क्योंकि आजकल एक नया जो इनका एसओपी चल रहा है कि पैसेंजर व्हीकल से गांजा को लेके जाना स्मॉल पैकेट्स में, तो जो पैसेंजर व्हीकल को चेकिंग के दौरान 3 केस हमने रजिस्टर किए हैं, एक मुंगियागामी में और 2 तेलियामोरा पीएस में। एक रेलवे स्टेशन जो लेके जा रहा था उसको हमने पकड़ा, एक बस में लेके जा रहा था, एक ऑटो में लेके जा रहा था। 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया 3 केस के अंदर, 5ों लोग बिहार से हैं। तो अभी इनके जो भी केस कनेक्शन है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कि ये कहाँ से परचेज किए थे और वहाँ पर इनका किंग पिन कौन है जहाँ पर ये ले जाके इकट्ठा कर रहे हैं। तो इनका जो नया इन्होंने रूट ये इस्तेमाल कर रहे हैं गांजा के लिए, सभी रूट्स पे हमने नाका लगा रखा है। हमारे छोटे रूट्स हैं क्योंकि मेन हाईवे को यूज ना करके आजकल छोटे रूट्स के थ्रू पैसेंजर व्हीकल के थ्रू लेके जा रहे हैं। जो वो एसओपी फॉलो करेंगे उनके काउंटर में हम लोगों ने पूरा फोर्स लगा रखी है और नाका लगा रखा है। आने वाले टाइम पे भी आप देखोगे कि गांजा और जो सीजर बाकी नार्को जो भी आइटम्स होते हैं सबके अगेंस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। थैंक यू। हाँ।